आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूपी में इन दोनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बाहरी मौसम जितना सुहाना है, विधानसभा के अंदर उतनी ही ज्यादा गर्माहट है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में जबरदस्त गहमागहमी का माहौल देखने को मिला। सदन में नेता प्रतिपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल चला, जिसमें सबसे पहले रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा मोना ने सरकारी स्कूलों के बच्चों की ड्रेस, जूते, मोजे, किताबों का मुद्दा उठाया, जिसके बाद नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दिए। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप की बौछार होती रही, जिसमें सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर तीखे सवाल करते हुए नजर आए। उन्होंने प्रदेश के कई बहुचर्चित मुद्दों का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। मैं तो ये कहूँगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने सच बोला। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई, तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। नेता विपक्ष ने कई मुद्दे को लेकर मौजूदा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने की कोशिश की, जिसके जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने जवाब में सपा का जिक्र किया। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात से फिर गए। आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में अपराध किसी भी तरह का हो, वो माफी योग्य नहीं है। खास तौर पर महिला संबंधी अपराध में सरकार कठोरता से कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो लड़के हैं, गलती कर देते हैं। ये नेता प्रतिपक्ष जानते हैं और स्वीकार करते हैं कि कार्रवाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की माफियाओं की संपत्ति जब्त हुई है, ये पहली बार हो रहा है। और इसलिए महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, 25 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, इस सरकार की प्राथमिकता का बिंदु है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इन सभी मुद्दों पर कार्य करेगी। देश की पहली ई विधानसभा का नजारा भले ही बदल गया हो, लेकिन सदन के अंदर नेताओं का आमना सामना उतनी ही गर्मजोशी के साथ देखने को मिल रहा है। इस बार भी नेता प्रतिपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी के साथ सदन में उतरा, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता भी पूरी तैयारी के साथ सभी सवालों पर जवाब देते हुए नजर आए। फिलहाल 5 दिन तक चलने वाले इस सत्र में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी। जवाब और सवालिया निशान तो लगते रहेंगे। देखना यह होगा कि निष्कर्ष निकल करके क्या आता है और कौन पक्ष जनता के कितना मुद्दा सदन में रख पाता है। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।